अरे सुमित, ये वृंदावन चलते हैं, बहुत दिन हो गए। अरे हाँ यार, मैं भी ये सोच रहा था, बहुत दिन हो गए। चल ठीक है, एक काम कर, कल सुबह चलते हैं। तू मयंक से बात कर ली तो राम से, और मैं आशीष से बात कर लूँगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलते हैं। अरे यार, वैष्णो देवी का प्रोग्राम बनाते हैं, वैष्णो देवी गए हुए बहुत दिन हो गए यार। हाँ यार, चल ट्रेन से टिकट बुक करते हैं। चल टिकट देख लियो, मैं दर्शन ऑनलाइन बुक कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे बात कर लियो। ठीक है ठीक है। अरे यार, केदारनाथ जाने का मन है। हाँ यार, यात्रा तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन चलेंगे, अब चलेंगे। हाँ ठीक है। हाँ, मेरे मैंने देखा रहा, मेरे फेसबुक पे भी मेरे फ्रेंड ने डाल रखा है, इंस्टाग्राम पे डाल रखा है, वो भी गया हुआ है, हम भी चलते हैं। ऐसी वीडियोस, ऐसी बातें और ऐसे बातें आपने अपने मोहल्लों में, अपने दोस्त यारों में सुनी होगी, और हम भी उनमें से ही हैं। हम भी इन्हीं सभी धार्मिक स्थानों पर, वैष्णो देवी, केदारनाथ या मथुरा वृंदावन, ये सब जगह जाते रहते हैं, और जाना भी चाहिए। प्रभु की भूमि है, जाना चाहिए, 100% जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ मोहित शर्मा। इस वीडियो को पूरा सुनने से पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे आशीर्वाद के रूप में मिलता है, और मेरे अंदर ऊर्जा आती है जिससे मैं और वीडियो बना सकूं। अब आपने जो मेरी पहले बातें सुनी, वो आपको ऐसा लगा होगा मैं किसी से बात कर रहा हूँ या कुछ किसी से कोई डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन ये डिस्कशन हम अपने मित्रों के साथ भी करते हैं, नियमित करते हैं, रेगुलर करते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम वृंदावन, वैष्णो देवी और केदारनाथ जैसे बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर जाने के हकदार हैं, वह हमारे परम पिता परमात्मा का दरबार है। लेकिन उससे पहले एक हमारे नैतिक जिम्मेवारी बनती है, आपकी भी बनती है, मेरी भी बनती है, सबकी बनती है। वो ये है कि आपके घर, आप किसी के मोहल्ले, आपकी कॉलोनी, आपके विहार, आपकी सोसाइटी, आपका अपार्टमेंट, आपका बंगलो, आपका स्टूडियो हाउस, आपका जितना भी बड़ा घर है, जितना भी आपका छोटा घर, आपका जो भी है, आपके घर के आसपास जो भी मंदिर जो कि मेंटेन्ड नहीं है, यानी कि वहाँ पर किसी चीज़ की आवश्यकता है, या वहाँ नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो रही, या बहुत टाइम से वहाँ पे कुछ पूजा पाठ हुआ ही नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। देखिए, हमारे सब क्षेत्रों में ऐसे कई कोई जगह ऐसी होती है जो मेंटेन नहीं होती, और हम वहाँ कभी जाते ही नहीं। जाएंगे तो साल में एक या दो बार जन्माष्टमी पर या फिर कोई शिवरात्रि पर ऐसे जाएंगे और दर्शन करके पूजा पाठ करके आ जाएंगे। मेरा मानना ये है, मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, सभी सनातनियों को जो प्रभु में विश्वास रखते हैं और प्रभु का प्रचार खुल के सोशल मीडिया पे करते हैं, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं वो मेरे मित्र जो खुल के सोशल मीडिया पे प्रचार करते हैं। लेकिन मैं उनसे एक चीज़ अनुरोध करना चाहूँगा, मेरे भाई और बहनों, कि आप लोग सभी जगह जाओ, लेकिन अपने नियर बाय का एक या दो मंदिर ऐसे देखो जहाँ पर आप नियमित उसकी सेवा कर सको, जो अनमेंटेन्ड है। इस चीज़ का ध्यान रखना, मेंटेन्ड में मत जाना, पता चले वहाँ पे पहले ही प्रशासन, मंदिर की कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है और आप उसका पार्ट बन जाते हो, तो उसमें ठीक है, आपके निष्ठा की सेवा रहेगी, लेकिन आपकी इस क्षमता की, आपकी इस भक्ति की आवश्यकता कहीं और भी है। तो ऐसे स्थानों पर जाएंगे जहाँ पर साफ सफाई की कई कमी है, जहाँ पर आपको लगता है कि इससे अच्छा भी हो सकता है, जहाँ से आपको लगता है कि यार मेरे, अगर हम थोड़ा सा इसका सिस्टम ऐसा कर दें तो और लोग मंदिर आ सकेंगे, साफ सफाई हो सकेगी, इसको यहाँ पर नियमित हम कोई हनुमान चालीसा या यहाँ पर हम कोई ऐसी चीज़ शुरू करते हैं नियमित, जिससे कि और लोग यहाँ पर जुड़ें, ये भी आपके अध्यात्म का एक हिस्सा होगा। मेरा मानना ये है कि आप तभी इन जगह पर जाओ जब आप आसपास के जगह के अंदर कुछ ना कुछ भगवान के प्रति करो। ये मेरे मन का विचार है, हो सकता है कि मैं 100% गलत हूँ, और जिसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन फिर भी मेरे मन में आया कि मेरे को ऐसी वीडियो बनानी चाहिए, और जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे लगता है कई बार साक्षात कि मुझे प्रभु का है कोई आदेश होगा, उनका हुक्म होगा, क्योंकि हुक्म के बिना, उनके आदेश के बिना तो पत्थर नहीं हिलता, तो मैं एक वीडियो कैसे शूट कर सकता हूँ। लेकिन मुझे, मेरे मन में विचार आया कि मुझे ऐसी वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी जगह जाएं, लेकिन आप आसपास के एक या दो मंदिर ऐसे कोई देखें या जितने भी हैं कि यहाँ आवश्यकता है। और मैं आपको बता दूँ, ये मैं खुद भी वही काम कर रहा हूँ जो आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि उपदेश देना उतना ही आसान है जितना उस पर, इतना मुश्किल उस पर अमल करना। तो पहले मैं अमल कर रहा हूँ, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप इस काम में सफल हों, मेरी ऐसी सर्वप्रथम प्रभु से प्रार्थना है। हर हर महादेव।